हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं भूमिका शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस गाने को हम सीखने वाले हैं उसका नाम है लेजा लेजा। ओके, सो इसका डांस ट्रैक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब शुरू करते हैं इसको सीखना। सो जिसका बिगनिंग का पार्ट है उसमें म्यूजिक है, तो मैं आपको एक बार वो पार्ट करके बताती हूँ। सो हाउ इट विल बी गोइंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पीछे टर्न होंगे एंड यू विल गिव अ वेव विद बोथ ऑफ योर हैंड्स लाइक दिस, एक और चुटकी बजाएंगे दो। सो इट विल बी 1 2, अब पीछे टर्न होंगे 3 लेजा। ओके, जैसे फर्स्ट बीट आया लेजा बोलेगा, उसके बाद के म्यूजिक सबको स्टार्ट करना है 1 2 3 लेजा। ओके, देन यू हैव टू रन ऑन योर टोज लिटिल बिट, 5 6। ओके, 5 6, फिर हाथों से एक वेव बनाते हुए यू विल टाई अप योर फिंगर्स, वेव इस तरीके से। ये मैंने वेव लिया लेफ्ट साइड में, इस वेव को लेके गई एंड राइट पैर को मैंने एक्सटेंड किया। सी वंस अगेन, 7 लेजा। ओके, तो इतना पार्ट हम एक बार काउंटिंग भी करते हैं साथ में। 1 2 टर्न लेजा, 5 6 7 लेजा। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहां जाने के बाद आपको क्या करना है, राइट पैर ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, नाउ व्हाट विल डू, 1 2 3 एंड 4। क्या किया है मैंने, राइट पैर ऑलरेडी एक्सटेंडेड था, आपको अपने राइट पैर और राइट हैंड यूज करना है, ऑपोजिट साइड किया, राइट पैर आगे राइट हैंड पीछे, 1 2 3। अब यहीं से मैं घूम जाऊंगी और हाथ मेरा गोल घूमते हुए आएगा, 3 एंड 4, ये मैं आई सामने। वंस अगेन विल डू दिस साइड, इट गोज 1 2 3 एंड 4, अगेन यू आर इन द सेंटर। अब हम राइट साइड जाएंगे, 5 6, शोल्डर मूवमेंट 7 एंड 8। फिर से देखिए, ये लास्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8। ओके, ये हमने दिया 2 शोल्डर मूवमेंट, तो ये पूरा एक साथ साथ पे करते हैं पूरा, 5 6 7 मूव, 1 2 3 लेजा, 5 6 7 लेजा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब हम इसमें जो लिरिक्स पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पे आते हैं। ये हमने किया 7 8, अब इसमें लाइन आता है लेजा लेजा, सॉफ्टली वो कहेगी, ठीक है। 4 मूवमेंट आपको लेना है, 4 कदम आपको चलना है, जस्ट स्लाइटली यू हैव टू रोटेट योर हैंड्स लाइक दिस और आपको घूमना है, राइट हैंड ऊपर है लेफ्ट हैंड नीचे है, 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से आपने घूमा। अब मेन लिरिक्स जो है, मुझसे दूर कहीं ना जा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये ले जा ले जा रे, देन 1 2 1 2 3। क्या किया मैंने, आई वाज बैक लाइक दिस, 1 2 1 2 3, राइट हैंड सामने लेफ्ट, 1 2 3, एज इफ आप किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 1 2 एंड 3, मुझसे दूर कहीं ना जा, सो इट गोज 1 2 1 2 3। ओके, देन बस यहीं कहीं रह जा, मैंने क्या किया लेफ्ट पैर को अब मैं सामने ले आई, दिस वाज द लास्ट मूवमेंट। अब यहीं से मैंने किया 1 2, सो इट गोज 1 2 1 2 3, देन 1 2 1 2 3, लेफ्ट लेग एट फ्रंट एंड राइट हैंड एट फ्रंट, ये मैंने घुमा के रखा सामने, 1 2, इट वॉज माई बैक, 1 2, बस यहीं कहीं रह जा। आप अपने हाथों को रोटेट करके इस तरीके से सामने रखेंगे राइट हैंड को। ओके, तो 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, एंड यू विल डू अ लुक अप, एक बीट आएगी टक, तो उस पर आपने ये ऊपर किया। ओके, मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। ओके, दिस विल बी द मोमेंट। अब मैं तेरी दीवानी रे, सिंपल सा मूवमेंट है, आपको सामने फिंगर करते हुए पीछे की तरफ जाना, यू शो द हैंड्स लाइक दिस, मैं तेरी दीवानी रे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, सिंपल सा मूवमेंट है, जस्ट एक एक उंगली निकाल कर ऊपर, आफ्टर जस्ट गर्दन हिलानी है इस तरीके से सिर घुमाते हुए। ओके, मैं तेरी दीवानी रे। ओके, सो ये हम पीछे गए, मैं तेरी दीवानी रे। अब राइट पैर आगे लाएंगे, 1, अफसोस। ओके, सो इट विल बी अफसोस तुझे है क्या। ओके, सिंपली वी आर गोइंग टू डू दिस,
वन, राइट पैर आगे निकला, वन, लेफ्ट पैर को पीछे करते हुए आप घूमेंगे, इसमें सामने से हमने क्रॉस नहीं किया, इसमें पीछे से हमने क्रॉस किया, वन टू थ्री फोर, इट गोज अफसोस तुझे है क्या, एंड टक, एक बार एक और बीट आएगा टक, तो उस पर आप हाथ बाहर निकालेंगे, जैसे आपने इसमें डाउन किया था, बीट आने पर आपने हाथ ऊपर किया, सिमिलरली अफसोस तुझे है क्या, टक, ओके, ये पूरा यहाँ पर सेगमेंट गया, अब नेक्स्ट लाइन, तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, सो व्हाट वी गोइंग टू डू, ये हमारा हाथ बाहर निकाला हमने, देन तेरी मेरी, वन टू, तो इसमें दो कदम आगे आएंगे, तेरी मेरी कहानी, तो इसमें थोड़ा सा गर्दन का मूवमेंट देंगे इस तरीके से, कहानी, सो व्हाट वी गोइंग डू हियर, तेरी मेरी कहानी, ओके, राइट पैर मेरा पीछे है, सी लाइक दिस, ओके, कहानी नई बन गई, क्या किया मैंने, यू कैन सी आई एम यूजिंग माय लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से उस पर लिख रही हूँ, ये नहीं कि इतना लंबा ले जा रहे, जस्ट सिंपल छोटा सा लिखते हुए, दिस इज योर राइटिंग स्टोरी, ओके, सो ये मूवमेंट किया, तेरी मेरी कहानी, ये हमने खड़े खड़े किया, देन नई हो गई, आई एम एक्सटेंडिंग माई राइट लेग, गर्दन के पास से हाथ आया, कहानी नई हो गई, तेरी मेरी कहानी नई हो गई, ओके, देन अब यहाँ से आपको राइट पैर को उठाना है, वन टू थ्री, क्या किया मैंने ध्यान से देखेंगे, वन टू थ्री एंड डाउन, तो ये पूरा एक साथ मूवमेंट फ्लो में चलेगा, ओके, तू मेरा हो गया, सी राइट पैर उछलते हुए लेफ्ट पे, आप लेफ्ट के टोस पे लाइक दिस, वन टू, सी हियर ऑब्जर्व माय हैंड, दिस इज द मोमेंट, ओके, ये घुमाते हैं कलाइयों को, आपने इस तरीके से जोड़ा है, लेफ्ट हैंड माय राइट हैंड, ओके, तो इसको हम करेंगे, तू मेरा हो गया, ओके, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, कमर पे नियर योर चेस्ट एंड अप, तू मेरा हो गया, वन टू थ्री, ओके, देन हाथ ऊपर है आपके, दोनों हैंड्स ऊपर है, मैं तेरी हो गई, क्या किया मैंने, मैं राइट हैंड पहले नीचे लाया मैंने, वन लाइक दिस, देन द लेफ्ट हैंड टू, गर्दन के पास से जाएगा, थ्री एंड फोर, ठीक है, तू मेरा हो गया, ये किया हमने, मैं तेरी हो गई, सामने की ओर दिखाना, ओके, देन नेक्स्ट लाइन, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, सो व्हाट वी डूइंग हियर, ये हुआ मैं राइट साइड दिखा रही हूँ, जहाँ जाए, ओके, आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए कि जहाँ तू जा रहा है, ओके, सो जहाँ जाए तू संग मुझे, आपको डायरेक्टली खड़े होना है, आप बैठे हुए थे, राइट नी नीचे था, जाए, यू विल होल्ड योर हैंड्स, तू संग मुझे, अगेन राइट लेग इज एक्सटेंडेड, इट्स ऑन इट्स टोस, संग मुझे, अब मैं पीछे पलटूंगी, राइट पैर सामने से घुमाते हुए पीछे ले जाऊंगी, ले जा, इस पोजीशन पे आपको आना, इसमें क्या किया मैंने, सी हियर, लेफ्ट पैर एक्सटेंडेड है, राइट कमर बाहर की ओर निकला हुआ है, एंड ये पोजिशन है, राइट हैंड लेफ्ट, ओके, तो ये हमने किया, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ओके, डन, ले जा, ले जा कैसे किया मैंने, हाथ अंदर की तरफ था, ये था ले जा, इन एंड आउट, वन टू, ओके, हाथ ये ऊपर की तरफ था, वन टू, ले जा, ओके, तो ये मैं पीछे हूँ, मैंने किया ले जा, टर्न, ले जा, वे, ओके, वन टू, वेव, थ्री फोर एंड बैक, तो ये म्यूजिक आपने सुना होगा, ले जा नर नर, ले जा नर नर, ले जा ले जा, तो ये उसी पार्ट को यहाँ पे कर रहे हैं, ये गया पहला, ले जा तरनन, ले जा, वेव राइट एंड लेफ्ट, देन ले जा ऊपर नीचे और ऊपर, ले जा एंड ये हम पीछे जाएंगे, दो कदम घूमना है एंड जंप, ले जा ले जा, ले जा ले जा, राउंड एंड जंप, एक हाई बीट पे आपको जंप करना है, दोनों पैर ऊपर और हाथों को ऊपर की तरफ फेंकना है, ओके, नाउ नाउ कमिंग टू द मेन टाइटल पार्ट, जंप किया आपने, राउंड एंड जंप, अब
ले जा रे। सो ये मैंने किस तरीके से किया, 1 2 जो बिगनिंग में हमने ये वाला सीखा था सेम फुटवर्क है यहाँ पे, ओके। और हाथ पर ये चलेगा ऑपोजिट, 1 2 3 एंड 4। फिर से करेंगे, हाथ मैंने पकड़, हाथ को बांध दीजिए, राइट पैर सामने गया, हाथ पीछे की तरफ, ओके 1 2 ओके देन 3 एंड टर्न 4 ओके। सो इट गोज 1 2 3 एंड 4 ले जा रे। अब सेंटर पे आ गए वापस, महकी रात में, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, महकी रात में, ओके महकी रात में पीछे की तरफ आए, लेफ्ट हैंड मैंने सामने रखा है और राइट हैंड से इस तरीके से शेक करते हुए मैं उसको ऊपर ला रही हूँ। सेमी क्लासिकल स्टाइल में कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके की स्टेप्स हैं इसीलिए। सो इट गोज रात में, ओके तो इसमें हमने क्या क्या किया, 1 2 3 4 5 6 ऑन योर टोज, महकी रात में, राइट हैंड ऊपर, देन चुरा के सारे, एज इफ यू एक्चुअली आपको चुरा रहे हो, ठीक है, खींच के नीचे ला रहे। तो ये हमने क्या किया, राइट हैंड को पुल करके नीचे लाए, 1 2 पीछे की तरफ जंप करेंगे, लेफ्ट राइट। अब जब मुझे राइट साइड जंप करना है तो राइट लेफ्ट चुरा के सारे। अब लेफ्ट पैर ऑलरेडी पीछे है तो मैं यहीं से घूमूंगी, रंग ले जा 4 बार, ओके चुरा के सारे, 1 2 3 4 ओके। दोबारा आएगा सारे रंग ले जा, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे था उसको सामने लेके आएंगे, चुरा के सारे रंग ले जा, 3 बार खड़े खड़े करेंगे, ओके। तो क्या क्या मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, चुरा के सारे 1 2 3 अब लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, 1 2 1 2 3 राइट पैर नीचे है, 1 2 3 ओके देन राती राती मैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, चांद बनाना है इस तरीके से, ओके जिसमें भी ये मुद्रा आपको यूज करनी है। सो राइट हैंड पहले जाएगा, तो राइट हैंड जा रहा है, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। पैर का मूवमेंट देखिए, पहले लेफ्ट एंड राइट, राइट साइड जाने के लिए राइट एंड लेफ्ट, सी वंस अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ से ऊपर, राती राती मैं भीगू, तो भीगू साथ में के लिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 अगेन लेफ्ट पैर पीछे है, हाथों का मूवमेंट ये रहेगा, टेढ़ा लाना है आपको और ये मूवमेंट लाते हुए गोल घूमना है, 4 मूवमेंट फिर से चलेगा, 1 2 3 4 फोर काउंट्स पे आपने किया, सी वंस अगेन 2 3 4 राती राती मैं भीगू साथ में तू ऐसी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, 1 2 3 एंड 4 क्या किया मैंने, आप देखेंगे राइट पैर मैंने पीछे लिया है, 1 एंड 2 सी वंस अगेन 1 एंड 2 हाथों को कमर के पास से लेके गई एंड वापस मैंने सामने इस तरीके से पकड़ लिया, 1 एंड 2 ठीक है, 1 2 सामने आए, देन अगेन द सेम मूवमेंट 3 एंड 4 राइट पैर आगे हाथ पीछे की तरफ, 3 एंड 4 1 2 3 4 5 6 7 turn 1 2 3 4 change 1 2 3 4 ठीक है। देन इसके बाद लास्ट का एंड के 2 स्टेप्स हैं, उसमें आप क्या करेंगे, ये जैसे आपका कंप्लीट होगा 2 आपको स्पिन्स लेने हैं, 1 एंड 2 स्पिन्स, राइट हैंड सामने की तरफ इस तरीके से रखेंगे, 1 2 1 एंड 2 ये थोड़े से स्पीड स्पिन्स होंगे, उसके बाद ये फ्लावर बनाते हुए बैठ के एंड डाउन, दिस विल बी द एंड पोजिशन। क्या किया मैंने, लाइक दिस हैव टू मेक फ्लावर, इस तरीके से घुमाते हुए आप ऊपर से घुमाएंगे एंड गिव इट एट द फ्रंट, ओके। सो लास्ट का मोमेंट हमने क्या किया, 1 2 3 4 चेंज 1 2 3 4 5 6 एंडिंग पे थोड़ा सा स्पीड से करके आपको बैठ, ओके। सो ये सारे स्टेप्स थे सॉन्ग के जिसका नाम है ले जा ओके। आई होप आपने इसको अच्छे से सीखा होगा, कहीं भी आपको कंफ्यूजन आए तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, डेफिनेटली आई नो आप लोग इससे जरूर सीखेंगे, ओके। सो जल्द मिलेंगे एक नए गाने एक नए ट्यूटोरियल के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप डांसिंग।